हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू दू मैम्स क्लास डियर चिल्ड्रन आज हम आपकी कक्षा तीसरी परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के है, कुछ कही, कुछ अनकही का दूसरा भाग करेंगे देखो बच्चों लास्ट क्लास में हमने इस पेज पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे पेज नंबर 126 पर और यहाँ पर देखो पेज नंबर एक पर दिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको समझा दिए थे और करवा भी दिए थे अब हम इसे आगे का अभ्यास भी करेंगे और पाठ भी पढ़ेंगे उससे पहले देखो पढ़ते हैं कैसे पहुंचती है चिट्ठी देखो बच्चों मैं पहले आपको यहां चित्र दिखा देती हूं देखो यहां आपको क्या क्या नजर आ रहा है देखो आपको यहां नजर आ रहा होगा दृश्य किसी जगह का है ये क्या आप बता सकते हैं कौन सी जगह का है डाक खाने का वेरी गुड देखो यहाँ टिकट लिखा है यहाँ मनी ऑर्डर लिखा है और यहाँ लाइन भी लगी हुई है टिकट के लिए लाइन लगी है यहाँ मनी ऑर्डर के लिए लाइन लगी है और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा हो ये रैक में कुछ पत्र रखे हुए हैं है ना और यहाँ देखो यहाँ पर ये फोन पे बात करते हुए एम्प्लॉय और यहाँ देखो क्या कर रहे हैं ये ये सभी डाक घर के एम्प्लॉज हैं और ये अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ देखो कोई ये पत्र पर लिख भी रहा है और ये स्टैंप लगा रहा है है ना और और कौन होता है डाक घर में डाकिया भी होता है डाकिया क्या, क्या करता है डाकिया आपके पत्रों को जो आप पत्र लिखते हैं उसको जहाँ पत्र पहुंचना होता है जहां पत्र को आपको पहुंचाना होता है वहां पहुंच जाता है तो अब देखो यहां हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। अनुराधा के पापा डाकघर जाने लगे तो अनुराधा ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी भाई उसको भी देखना है कि डाकघर कैसा है वहां कैसे काम होता है तो पापा बोले ठीक है चलो घर पहुंचकर अनुराधा ने देखा कि अलग अलग केबिन में बैठे कर्मचारी काम कर रहे हैं काम कर रहे थे किसी केबिन पर टिकट लिखा था तो किसी पर मनी ऑर्डर हर केबिन के सामने लोगों की लाइन लगी थी एक केबिन में पत्रों की छटनी हो रही थी दूसरे में पत्रों पर मोहर लगाई जा रही थी देखो यहाँ मोहर लगाई जा रही है ना मैंने आपसे अभी चर्चा की थी इस बारे में उसके पापा ने बताया कि पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे पहले इन्हें पत्र पेटी लेटर बॉक्स में डाला जाता है फिर लेटर बॉक्स का ताला खोलकर सभी पत्रों को एक थैली में रखता है इसके बाद वह पत्रों को उनके पते के अनुसार छाट कर डाक गाड़ी में रख देता है दूसरी जगह पहुंचने पर वहां का डाकिया पत्रों को उन पर लिखे पतों पर पहुंचा देता है तो बच्चों आपको क्या समझ आया यहां पर देखो क्या करता है डाकिया जहां आप पत्र डालते हैं अगर आपने किसी को पत्र लिखा है तो उसके बाद क्या करते हो आप उसको लेटर बॉक्स में डाक पेटी में डाल देते हो देखो यहां से पत्र डालने की जगह है और यहां आपको नजर आ रहा होगा यह लगा ताला इसको जो आपके एरिया का डाकिया है अगर आपने कोई पत्र लिखा है उसको डाक पेटी में डाला है तो आपके एरिया का जो डाकिया है वह ये ताला खोल कर जितने भी इसमें पत्र होंगे वो पत्र ले जाएगा अपने थैले में रखकर और फिर क्या करेगा वहाँ डाक घर में उन पत्रों की छटनी करता है छटनी करके क्या करता है उन पत्रों को उनके अकॉर्डिंग जहां उन्हें जाना होता है जहां का उन पर पता लिखा होता है वो उन उन डाक गाड़ी में उनको रख देते हैं अलग अलग में जहां उनको जाना होता है उसके अकॉर्डिंग ठीक है फिर दूसरी जगह पर जब ये पहुंच जाते हैं डाकघर में तो क्या होता है वहां पहुंचने पर डाकिया फिर उन पत्रों की छटनी करते हैं कि ये पत्र कहाँ कहाँ जाने होते हैं और जहां जहां जाएंगे ना उस एरिया के अकॉर्डिंग उस एरिया के जो डाकिया होते हैं उनके अंडर उनको सौंप देते हैं कि भाई आपको ये पत्र बांटने हैं अपने एरिया में फिर वो डाकिया उन पत्रों को लेकर अपने अपने एरियाज़ में जाता है और उन पत्रों को उनके पते पर पहुंचा देता है ठीक है देखो अब यह आपको यहाँ नजर आ रहा होगा देखो क्या है पत्र है ठीक है अब लिखा है चित्र में दिखाए गए अंतरदेशीय पत्र पर प्रेषक भेजने वाले की जगह अपना नाम व पता तथा प्रेषित जिसको भेजा जाना है की जगह अपने मित्र का नाम व पता लिखो तो देखो प्रेषक और प्रेषित यहाँ लिखा है प्रेषित और यहाँ प्रेषक प्रेषक की जगह किसका लिखना है नाम पता अपना लिखना है ठीक अपना नाम लिख देना बच्चों यहां और यहां अपना पता लिख देना और यहाँ अपने फ्रेंड का नाम और अपने फ्रेंड का पता आपको यहाँ लिखना है प्रेषित जिसको भेजा जाना है उसे क्या कहते हैं प्रेषित किया गया पत्र किससे प्रेषित किया जाना है ना और प्रेषक कौन है पत्र भेजने वाला कौन है ठीक है बच्चों अब है डाकघर से घर तक चिट्ठी पहुंचने के क्रम को लिखो तो देखो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि सबसे पहले क्या होता है पत्रों को छाटना ठीक है उसके बाद उस पर मोहर लगाई जाती है लिखा है मोहर लगाना फिर क्या होता है मोहर लगाने के बाद अन्य डाकघरों में पहुंचाना अन्य डाकघरों में पहुंचाया जाता है और फिर छटनी होने के बाद जो डाकिया उनको क्या करता है डाकिया द्वारा घर तक पत्र या चिट्ठी पहुंचाना ये चार जो मेन मैंने लिख पर जो स्टेप्स है ठीक है बीच में यहाँ छठनी नहीं लिखा है स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो जो है। क्योंकि चार ही स्टेप लिखने थे यहाँ पर ठीक है बच्चों? अब देखो आगे चलते हैं आगे क्या है बात इशारों में हम बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं जानते हो कैसे इशारों और चेहरे के हाव भाव से आपने भी की होगी ना कभी बात क्लास में भी करते हो ना जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो क्या करते हो चुपचाप इशारों में बातें करते हैं है ना करते हो ना ऐसे ही इन्हीं को तो कहते हैं इशारों और चेहरे के हाव भाव से बातें करना तो कई बार अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती है कि तो तुम समझ जाते हो कि वे चुप रहने के लिए, के लिए कह रही है है ना और कई बार अध्यापिका या अध्यापक खड़े होते हैं आप शोर ज्यादा मचा रहे होते हैं तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं आपको देखने लग जाते हैं ऐसे है ना जस्ट आपको देखते हैं है ना और उनकी आंखों से आपको पता लग जाता है भाई मैम किस नजर से हमें देख रही है कि मैम को गुस्सा आ रहा है 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 ना या सर को गुस्सा आ रहा है, तो हमें चुप हो जाना चाहिए तो आप एकदम से चुप हो जाते हो है ना तो यही तो है इशारों या हाव भाव की भाषा तो अब देखो नृत्य में भी इशारों और चेहरे के हाव भाव से बात समझाई जाती है इन्हें मुद्राएं कहते हैं क्या कहते हैं इन्हें मुद्राएं नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई मुद्राओं और इशारों की भाषा कौन सी है देखो बच्चों यहां आपको क्या करना है यहाँ कुछ मुद्राओं और इशारों के चित्र दिए हुए हैं आपको इन्हें पहचानना है और उनके आपको नाम लिखने हैं नीचे दिए गए बॉक्स में देखो बच्चों सबसे पहले कौन सा चित्र है देखो हाथों की इन मुद्राओं से समझो कि क्या हो रहा है किस चीज का इशारा किया जा रहा है नाचने का तो लिखा है मैंने नाचना अब यहां देखो आंखों पर हाथ रखे हुए हैं और ये किसका इशारा है छुपने का तो लिख दिया है मैंने छुपना अब यहां देखो ये बच्चा क्या कर रहा है उंगली यहां पर रखकर और कुछ सोच रहा है ना तो ये किसका इशारा सोचने का तो लिख दिया मैंने सोचना अब यहां देखो नीचे ये बच्ची क्या कर रही है मुंह पर उंगली रख के चुप हो जाओ है ना ऐसे ही ना तो ये किसका इशारा है चुप रहने का और ये देखो, ये देखो किसका इशारा है और इस बच्चे को देखो कैसे किए हुए हाथ आप भी करते हो ना ऐसे पक्षी को उड़ाते हुए जब आपको दिखाना होता है तो ये किसका इशारा है उड़ने का लिखेंगे उड़ना देखो नीचे लिखा भी है मैंने चुप रहना रुकना उड़ना तो बच्चों आज के लिए इतना ही बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट में और एक्सरसाइज भी करेंगे इसके तो फिर बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बच्चों